गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम में एल्गी कंप्लीट किया था। एल्गी में हमने पढ़ा था हैबिटेट ऑफ एल्गी, उनमें और उनकी फोर फॉर्म्स, उनके फॉर्म्स और साइजेस देखे थे। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस और मैसिव प्लांट बॉडीज होती है। उनमें रिप्रोडक्शन देखा था वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखे थे क्लासेस जो कि CPR, क्लोरोफाइसिया, फायोफाइसिया, रोडोफाइसिया थे। और उसमें देखा था कि जो उनके गैमेट होते हैं वो तीन फॉर्म के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। ये सारा हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उससे पहले हम एल्गी की लाइफ साइकिल एक बार पढ़ते हैं। एल्गी की लाइफ साइकिल में क्या था, गैमेटोफाइटा जो होता है वो बनाता है दो सेक्स ऑर्गन्स जो कि क्या होते हैं, ओगोनियम और एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज़ द मेल गैमेट और ओगोनियम इज़ फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है जायगोट, जायगोट जाता है जायगोटिक मियोसिस में, उससे बनते हैं फोर स्पोर्स जो कि फोर हेप्लॉइड होते हैं और चार बनते हैं। फिर उनमें माइटोसिस होता है, जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये इनकी लाइफ साइकिल होती है। इनकी लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और इनमें सारे होमोस्पोरस बनते हैं। सारे स्पोर्स सिमिलर साइज के होते हैं। एक बस ये याद रहना चाहिए कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी तो वो होगी एल्गी में। अब यहाँ से हम नया स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा में ये पहले इनका पहले हम पढ़ लेते हैं। ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, मतलब इनमें सीड्स नहीं बनेंगे, सीड्स एब्सेंट होते हैं। इनमें टू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजोइड बोलते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है। ये होते हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, मतलब इनमें एम्ब्रियो बनेगा, सीड नहीं बनेंगे बट इनमें एम्ब्रियो बनेगा। ओनली ओगैमस, ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सिर्फ इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होंगे। नॉन ट्रेकियोफाइटा होगा, नॉन ट्रेकियोफाइटा मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं बनेगा। और नॉन वस्कुलर और प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दी एल्गी। जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। इनका जो हैबिटेट है ये डैम्प, मॉइस्ट और ह्यूमिड एरिया में मिलेंगे क्योंकि इनमें वाटर इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं और ये मोस्टली हिल्स पे मिलेंगे। होमोस्पोरस जो होते हैं वो सेम साइज के स्पोर्स होंगे और जो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। ब्रायोफाइटा में जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ये रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाते हैं। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मेल और फीमेल। मेल पहले भी हमने पढ़ा था एल्गी में, उसमें एंथ्रीडियम था। इसमें फीमेल ओगोनियम नहीं होता, आर्किगोनियम होता है जो कि फर्स्ट आर्किगोनिएट कहते हैं जिसे हम। इनमें ऑल बायसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल का मतलब होता है मोनोइशियस, मतलब हर्माफ्रोडाइट, एक सिर्फ एक को छोड़ के। वो होता है मार्केंशिया। मार्केंशिया इज़ अ यूनिसेलुलर जिसको हम डायोशियस कहते हैं। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा में, दोनों के दोनों नॉन स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, दोनों में ही सीड नहीं दिखते। और क्रिप्टोगैम होते हैं, हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और डोमिनेटिंग बॉडी गैमेटोफाइट होती है और दोनों को वाटर इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होते हैं। फिर आते हैं लाइफ साइकिल। इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, सबसे पहले बनेगा गैमेटोफाइटा। गैमेटोफाइटा इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक होती है, फ्री लिविंग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। फिर उससे बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स जो कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम मेल ऑर्गन है तो उससे बनेंगे एंथ्रीजॉइड्स। आर्किगोनियम
फीमेल गैमेट है तो उससे बनेगा एग और ओवा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। जो एंथ्रीजॉइड्स है वो स्मॉलर और मोटाइल होंगे, ओवम जो होगा वो लार्ज और नॉन मोटाइल होगा, इनमें ओगैमस कंडीशन होगी। ये फर्टिलाइजेशन के बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा जो कि आर्किगोनियम के अंदर होगा, जायगॉट बनेगा, जायगॉट से बनेगा माइटोसिस, माइटोसिस से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो के बाद इसमें बनते हैं स्पोरोफाइट्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉट फ्री लिविंग। अब इसके बाद में यहाँ पे बनता है फुट सीटा कैप्सूल, उसके बाद में वो जो होता है वो क्या होता है, फिर आता है स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट टू डिराइव नरिशमेंट। उसके बाद स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे जो कि स्पोरिक मियोसिस के थ्रू बनते हैं, और फिर जर्मिनेट माइटोसिस के थ्रू गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इसमें हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है, एम्ब्रियोफाइटा होते हैं ये, और इनमें फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट हम किसको बोलेंगे, वो बोलेंगे हम जायगोट को, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट हम बोलेंगे स्पोर्स को, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट बोलेंगे हम गैमेट्स को। उसके बाद आते हैं इसके दो टाइप्स, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस पढ़ने से पहले ही ब्रायोफाइट्स में जितना पढ़ा है उसको मार्क करना है। इसमें लिखा है ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरिया इन हिल्स। ये ए वाला जो फिगर है ये है फीमेल थैलस। फीमेल थैलस और मेल थैलस में क्या डिफरेंस है, जो फीमेल थैलस है उसका ध्यान से देखो जो आर्किगोनियोफोर है वो थोड़ा फ्लावर जैसा है, और एंथ्रीडियोफोर का फ्लावर जैसा नहीं है, बस एक ये डिफरेंस देखो तो उससे ज़्यादा जल्दी ध्यान रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये सी और डी जो है ये है फुनेरिया का एग्जांपल, फुनेरिया और स्फेग्नम का, ये है मॉसेस दोनों। इसमें जो राइजोइड है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और फुनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इसमें अब इन दोनों में ये समझ आना चाहिए कि बहुत बार लेबलिंग के लिए आता है इसमें से क्वेश्चन कि इसमें गैमेटोफाइट कौन सा होगा, स्पोरोफाइट कौन सा होगा, या फिर सीटा और कैप्सूल में दोनों में से क्या होगा, ये बताने को आता है। तो ये मेंशन, ये दो बार तीन बार बना के देखो, ये मेंशन करना आना चाहिए। ये बताया था ब्रायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये डैम्प ह्यूमिड और शेडी एरियाज में मिलते हैं, और इनका इम्पॉर्टेंट रोल प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएट देन एल्गी, इट इज़ अ थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रैटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है एंड दे लैक ट्रू रूट स्टेम लीफ, इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बनती है। दे पोसेसेस रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट इज हैप्लोइड, इट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट्स। द सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर, जो मेल होता है वो एंथ्रीडियम एंड दे आर प्रोड्यूस बाय फ्लैजलेट एंथ्रीजोइड्स, और जो फीमेल वन होता है वो होता है आर्किकोनिया जो कि फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसिंग सिंगल एग। जो एंथ्रीजोइड है वो वाटर में रिलीज होता है और वो मोटाइल होता है, वो आर्किगोनियम तक पहुंचता है और उसके बाद में जायगॉट बनता है। इसमें जायगॉट डायरेक्ट इमिजिएटली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता, ये हमने पहले पढ़ा था। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो बहुत फ्री लिविंग नहीं होते, बट वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट भी डिपेंडेंट होते हैं, उनसे अटैच्ड होते हैं एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और इनसे ही इनको नरिशमेंट मिलता है। स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइड, हैप्लोइड स्पोर्स, दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और फिर वहाँ से गैमेटोफाइट बनता है। ये पूरा जो लाइफ साइकिल बताया था वो पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है,
साइड में लाइफ साइकिल बनाकर लिख लो, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ब्रायोफाइट इज जनरल आर लिटिल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल बर्ड एंड अदर एनिमल्स। स्पीशीज ऑफ स्फेग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट अलॉन्ग बींग यूज एज अ फ्यूल एंड पैकेजिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। जो स्फेग्नम है उसकी जो स्पीशीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं पीट, जो कि फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल मतलब कोई भी चीज़ जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट हो उसके साथ उसको भेज देते हैं। स्फेग्नम को ऐसे चीज़ों के साथ भेजा जाता है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उससे जो स्फेग्नम है उसकी ये क्वालिटी है कि वो अपने साथ उसमें कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, तो वो उसके साथ किसी भी चीज़ के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जिसके साथ भी लिविंग मटीरियल के साथ जिसके साथ भी उसको रखा जाएगा वो उसको वाटर प्रोवाइड करता रहेगा। मॉसेस अलोंग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जो मॉसेस हैं उनको सॉइल बाइंडर्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कराते हैं। तो अब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के बारे में। जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं उनमें जो थैलॉइड होता है, थैलस होता है, वो सबस्ट्रैटम से राइजोइड्स के थ्रू अटैच्ड होता है और डॉर्सो वेंट्रली अटैच्ड होता है। जो उसकी लीव्स होती हैं वो सम टाइनी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इन टू रोज ऑन स्टेम, और सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम थैलस। मतलब बायसेक्सुअल भी होगा यूनिसेक्सुअल भी होगा। अब जो बायसेक्सुअल होता है, जो यूनिसेक्सुअल होता है उसका एग्जांपल है मार्केंशिया। जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो सिंपल होता है जिसमें फूड सीटा कैप्सूल बनता है और नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो फिर ये टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट होता है फॉर फूड वाटर और मिनरल। और जो इसके स्पोर्स हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कैप्सूल आफ्टर मियोसिस। जो इनके स्पोर्स हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं मियोसिस के बाद। इसका एग्जांपल है एमआरपी। एमआरपी मतलब एम से मार्केंशिया, आर से रायसिया और पी से पोरेला। पोरेला शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये पहले एक बार आया था, पीवाईक्यू में आया है ये। जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, यहाँ पर हम सेम बोलेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कहा था कि ये दोनों अलग अलग है, अब यहाँ से आगे सब में सेम है। एसेक्सुअल कहो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहो, ये होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और इनमें क्या होता है, इनमें गैमा फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ पे रह सकते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट और बार्क ऑफ ट्रीज और डीप इन वुड्स। ये लिवर वॉर्ट्स हो गया कंप्लीट, अब पढ़ेंगे मॉसेस। पहले लिवर वॉर्ट्स मार्क कर लेते हैं। ये लिखा है लिवर वॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवर वॉर्ट्स इज थैलॉइड, एग्जाम्पल मार्केंशिया। ये भी बताया कि प्लांट बॉडी जो होती है लिवरवॉर्ट्स की वो थैलॉइड होती है, जो कि डॉर्सोवेंट्रली अटैच्ड होती है एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रैटम, और सबस्ट्रैटम से अटैच्ड होती है राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड्स थे रूट लाइक स्ट्रक्चर। द लीफ ऑफ हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे दो रोज में अरेंज होते हैं ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। गेमा क्या है, गेमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप्स। इनमें छोटे छोटे, ये इसके आगे फिगर में दिया है, उसमें छोटे छोटे से कप जैसा फॉर्म होता है लोकेटेड ऑन थैलाय, और ये बाद में अपने पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाते हैं और फिर न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं।
ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और अ डिफरेंट थैलस. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा कैप्सूल. स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है फुट सीटा कैप्सूल में, और मियोसिस के बाद कैप्सूल के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है. और दीज स्पोर्स जनरेट टू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और ये बनाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स. ये था सारा लिवरवॉर्ट्स के बारे में. अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मॉसिस होते हैं मॉसिस. द थैलस इज इरेक्ट. बोथ सेक्स ऑर्गेन्स प्रेजेंट एट एपेक्स ऑफ लीफी शू. इनमें जो स्पोरोफाइट का सीटा होता है वो लॉन्गर होता है लिवरवॉर्ट से, और ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक होते हैं. ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हैं तो ये पूरे टोटली डिपेंडेंट नहीं होते, ये पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट होते हैं. इनमें कैप्सूल कंटेन स्पोर आफ्टर मियोसिस. जो मॉसिस होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो दो स्टेजेस में होता है. सबसे पहले क्या होगा, स्पोर से डायरेक्टली एक स्टेज बनेगा, उसको बोलते हैं जुवेनाइल और गैमेटोफाइट, जिसका एनसीईआरटी में नाम है प्रोटोनेमा. उसके बाद में उससे बनेगा एडल्ट और मैच्योर और लीफी गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होगा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बर्ड इनसे बनेगा. कैसा होगा ये, अपराइट स्टेम्प लाइक स्ट्रक्चर होगा और स्पायरली अरेंज्ड होगा लीव्स के साथ, एंड बियर सेक्स ऑर्गन अटैच टू द सबस्ट्रैटम. और अटैच कैसे होंगे, राइजोइड्स के थ्रू. इसका एग्जांपल होता है एसपीएफ. एसपीएफ ये शॉर्ट फॉर्म है, ये मैंने खुद बनाई है. एस से है स्फेग्नम और पॉलीट्राइकम और फुनेरिया. एस से है स्फेग्नम, पी से है पॉलीट्राइकम और एफ से है फुनेरिया. इनमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा. इनमें बर्डिंग सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होती है. ये क्या करते हैं, मॉसेस करते हैं प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल बर्ड एंड अदर एनिमल्स. और मॉसेस प्ले अ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. मॉसेस फ्रॉम द डेंस मैट ऑन सॉइल, हैंस रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन. मॉसेस सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं. और स्फेग्नम अ मॉस प्रोवाइड अ पीट यूज एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू होल्ड वाटर. इसको पैकेजिंग मटीरियल में भी यूज़ किया जाता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल के साथ. इसके बाद आएंगे टेरिडोफाइट. इससे पहले मॉसेस का जितना है ये इतना मार्क करना है. द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस गैमेटोफाइट कंसिस्ट टू स्टेजेस. फर्स्ट इज प्रोटोनेमा विच इज डायरेक्टली कम फ्रॉम स्पोर्स एंड इट इज क्रीपी ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज. सेकेंड है लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल बर्ड बनेगी. दे कंसिस्ट अ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग ए स्पायरल अरेंज लीव्स. दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स. और जो ये वाली स्टेज है, दिस स्टेज बियर अ सेक्स ऑर्गन्स. इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और इनमें बर्डिंग सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होती है. अब इसमें नेक्स्ट है, जो इम्पॉर्टेंट था वो लिखा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग फुट सीटा कैप्सूल. ये हमने पढ़ लिया, ये पता है. द स्पोरोफाइट्स इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवॉर्ट्स. द मॉसेस हैव अ इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन. इनके एग्जाम्पल हैं एसपीएफ, एस से स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम और फुनेरिया. अब नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट्स.